नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल मनु का है। वो पूछते हैं, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट विद एन एग्जांपल, यानी कि एक उदाहरण के साथ समझाइए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या होता है। मनु, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो बेसिकली हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं जब हम किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के टूल्स और लाइब्रेरीज के एक कलेक्शन को इकट्ठे तौर पर यूज करने के लिए रिलीज करते हैं। तो बेसिकली एक तरह से ये कहो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करके प्रोग्रामर या डेवलपर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एक तरह से बेयर बोन्स चीजें होती हैं, या बेयर बोन्स कहें तो मतलब मिनिमम, जो कम से कम आपको ऐसी चीजें जो कि वो चाहिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क को यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप .NET कोर या .NET 6 यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप .NET 6 SDK डाउनलोड करेंगे। सो .NET 6 SDK हो गया .NET 6 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब उसके अलावा आपको जो चीज़ें और कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज .NET 6 SDK के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी आपकी। .NET 6 का कंपाइलर और लैंग्वेज इंटरप्रेटर सब कुछ होगा। आप कमांड लाइन पर जा करके .NET न्यू करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर CSC करके आप प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बेसिकली किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के रिलेटेड लाइब्रेरीज और टूल्स के एक कंप्लीट कलेक्शन को कहा जाता है, जिसको कि एक एज ए पैकेज के तौर पर उस लैंग्वेज या उस फ्रेमवर्क का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसको रिलीज करता है। इसके मेन एग्जांपल्स मैंने जैसे आपको बताया, एक एग्जांपल अभी आपको बताया .NET 6 का SDK है। उसी तरह अगर हम जावा के वर्ल्ड में बात करें तो JDK या जावा SDK भी के तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेन इन्हीं दोनों SDKs के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया है, सो इन्हीं दोनों SDKs के बारे में मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसा मैंने कहा आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एक कलेक्शन है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के टूल्स और लाइब्रेरीज का, जिसको कि मैन्युफैक्चरर रिलीज करता है उस फ्रेमवर्क या लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। अगला सवाल यासिर का है। वो पूछते हैं, हाउ कैन आई फाइंड ए रिमोट जॉब, आई एम ए .NET डेवलपर हैविंग 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि ये एक 5 साल के एक्सपीरियंस वाले .NET डेवलपर हैं और ये रिमोट जॉब सर्च कर रहे हैं। सो इन्होंने पूछा है कि रिमोट जॉब ये कैसे ढूंढें। यासिर, ये सवाल यदि आपने मेरे से 6-8 महीने पहले पूछा होता तो मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देता काफ़ी सारे साइट्स की, जहां पर जा करके कि आप रिमोट जॉब्स ढूंढ सकते हैं। remoteok.com हो गया, wanderlist.com करके है एक, और आई थिंक इसी तरह से remotist.com करके है। इनफैक्ट लिंक्डइन पर भी आते हैं रिमोट जॉब्स, naukri.com पर भी आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जितने भी जॉब साइट्स हैं, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, चाहे आपका नौकरी हो गया, चाहे आपका मॉन्स्टर हो गया, चाहे आपका हायरिस्ट हो गया, चाहे आपका लिंक्डइन हो गया, हर जगह आपके रिमोट जॉब्स जो हैं वो 6-8 महीने पहले तक प्रॉपर रिमोट जॉब लिस्ट किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कम करनी शुरू कर दी है, लोगों को अब कंपनीज जो है वो वापस ऑफिस बुलाने लग गए हैं, और ज़्यादातर कंपनीज अब या तो हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो कर रही हैं या फिर फुली ऑफलाइन मोड में जा रही हैं, तो अब रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज इंडियन कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में, सच बताओ तो, रिमोट जॉब्स के लिए एग्री करती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो आजकल हाइब्रिड मोड में काम करवाना पसंद करती हैं, एटलीस्ट आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा।
हालांकि अब एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई है कि ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो अपने जॉब पोस्टिंग के अंदर ही क्लियरली मेंशन कर देती हैं कि वेदर दिस जॉब इज ए रिमोट जॉब और ए हाइब्रिड जॉब और ए कंप्लीटली ऑफलाइन जॉब। सो आप बड़े आराम से किसी भी पोर्टल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं रिमोट जॉब्स कौन कौन सी हैं और जो भी रिमोट जॉब्स आपको मिले उसको आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा, अब पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से कंपनीज जो हैं वो रिमोट जॉब्स कम ही ऑफर कर रही हैं। सो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, या तो आप फ्रीलांसिंग पर जाएं जो कि कंप्लीटली रिमोट होता है, या तो फिर आप किसी ऐसी साइट को यूज करें जो कि यूएस के जॉब्स जो हैं वो आपको देते हैं, लेकिन उनके लिए भी कई ऐसी जो साइट्स हैं वो भी आपको ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप यूएस टाइमिंग में यानी नाइट शिफ्ट में काम करें। सो यदि आप नाइट शिफ्ट में काम करने को रेडी हैं तो उस केस में आप पेस्टो करके है, आई थिंक पेस्टो भी जो है वो 2-3 साल के ये एक तरह से आई थिंक बूट कैंप टाइप का चलाते हैं जो कि 4-5 साल आई थिंक 2 साल से लेकर के 6-7 साल तक के एक्सपीरियंस वाले लोगों को ये पहले आपको छोटा सा ट्रेनिंग देंगे कम्युनिकेशंस वगैरह का, और इनिशियल कुछ दिन में आपको जो है रात में काम करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद फाइनली आपको जो है वो रिमोट जॉब लेने में हेल्प करते हैं। इनका टाई अप है यूएस के काफ़ी सारी कंपनीज के साथ। सो पेस्टो एक है। इस तरह के आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह मिल सकते हैं जहां पर कि आपको नाइट शिफ्ट वाले जॉब मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट वाले जॉब्स जो हैं, जो कि डेवलपमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूं, वो आपको एज ए रिमोट जॉब मिलेंगे, या तो फिर आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो यही दो तरीके हैं जिनके थ्रू कि आप रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक फुल टाइम जॉब प्रॉपर कंपनी में चाहिए एज ए रिमोट डेवलपर या रिमोट जॉब के तौर पर चाहिए, तो वो थोड़ा सा टफ हो चुका है अब इंडिया में, बट सर्च करना पड़ेगा आपको उसके लिए, और सर्च करने पर ही आपको मिलेगा। सो किसी भी आप जॉब पोर्टल पर जा सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे हायरिस्ट हो, किसी भी जॉब पोर्टल पर आपको बस चेक करना है कि कौन सा जॉब रिमोट जॉब है और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल सिद्धार्थ का है, वो पूछते हैं व्हाई इज इट बेटर टू लर्न प्रोग्रामिंग ऑन योर ओन, यानी कि आपको खुद से प्रोग्रामिंग सीखना क्यों बेहतर है, या एक तरह से कहें कि सेल्फ टॉट डेवलपर बनना क्यों बेहतर है। सिद्धार्थ, आपको किसने कह दिया कि खुद से प्रोग्रामिंग सीखना जो है वो बेहतर है, इजी है, या जो भी है, किसने आपको कह दिया कि खुद से प्रोग्रामिंग सीखना बेहतर है? आपको एक मैं फैक्ट बताता हूं कि 90% जो आपके सो कॉल्ड सेल्फ टॉट यूट्यूबर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से उन्होंने कंप्यूटर्स की डिग्री की हुई है। 90% मैंने कहा, एक दो जो हैं वो बिरले हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली नॉट सेल्फ टॉट, दे आर कॉलेज टॉट। कॉलेज उनको एक बेस प्रोवाइड करता है, जिस भी कॉलेज में वो पढ़ते हैं कॉलेज उनको एक बेस प्रोवाइड करता है जिसमें कॉलेज के करिकुलम में पूरा उनको डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सिखाई जाती हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप बुक पढ़ करके, कोर्सेस कर करके, चाहे आप पेड कोर्सेस करें चाहे आप फ्री कोर्सेस करें, कोर्सेस करके आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो बुक्स पढ़ करके और कोर्सेस करके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है उसको सेल्फ टॉट प्रोग्रामिंग नहीं कहते हैं, उसको हम ट्रेंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हैं। बुक्स भी किसी बंदे ने लिखी हुई हैं, ट्रेनिंग का जो मटेरियल है वो ट्रेनिंग का मटेरियल भी जो है वो किसी ने लिखा हुआ है। सेल्फ टॉट प्रोग्रामर वो होता है जो कि भैया लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन सीख करके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करे, और वैसा आप दुनिया में बहुत ही कम आपको लोग मिलेंगे जो कि ये काम करते होंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं या हेल्प फाइल पढ़ करके आप प्रोग्रामिंग करो, ऐसे बहुत ही कम आपको लोग मिलेंगे। 90% लोग जो हैं वो किसी न किसी बुक को फॉलो करते हैं, और प्लस ये भी है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सर्टेन थिंग्स ऑलरेडी आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको कुछ पहले से ही पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लॉजिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लूप्स क्या होता है, और ये सब चीज़ें आपको जो है वो अपने आप हेल्प पढ़ करके नहीं आ जाएंगी। उसके लिए आपको कोई ना कोई किसी न किसी बुक का सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी ट्रेनिंग कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। सो बस ट्रेनिंग करके और बुक पढ़ करके आप अपने आप को सेल्फ टॉट डेवलपर नहीं कह सकते।
मैंने जैसा कहा कि 90% यूट्यूबर्स जो अपने आप को सेल्फ टॉट डेवलपर्स कहते हैं, उन्होंने किसी न किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती है और फिर इंजीनियरिंग में सारी पढ़ाई की होती है। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली इंजीनियरिंग आपका बेस बनाता है, BCA अगर आपने किया वो आपका बेस बनाता है, जो भी कंप्यूटर साइंस की आप डिग्री करते हैं वो आपका बेस बनाता है पढ़ने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, आपको कंप्यूटर के टर्म्स के साथ आपको समझाता है या बताता है। सो जो भी आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग से आपके बेसिस क्लियर होते हैं। ग्रेजुएशन जब आप कंप्यूटर साइंस में किसी भी तरह का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके बेसिस क्लियर होते हैं। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं, चाहे वो फ्री ट्रेनिंग हो चाहे वो पेड ट्रेनिंग हो, या आप किसी बुक को फॉलो करते हैं, तो आप उससे अच्छे तरह से सीख पाते हैं। लेकिन नथिंग कैन बीट यू ए गुड ट्रेनिंग फ्रॉम ए गुड मेंटर और ए गाइड। अगर आपको एक अच्छा टीचर या गाइड मिल जाए जो कि आपको प्रॉपर ढंग से बताए, तो उस चीज़ को कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है। आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इट्स बेटर टू बी लर्न प्रोग्रामिंग ऑन योर ओन। आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए, फाइंड ए गुड टीचर, गो फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग और लाइव ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं अफोर्ड कर सकते या ऑफलाइन ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज आपकी सिटी में नहीं है तो गो फॉर लाइव ट्रेनिंग। बट माई सजेशन वुड बी टू फाइंड ए टीचर, फाइंड ए ट्रेनर, फाइंड ए मेंटर एंड लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम देम, रादर देन जस्ट फॉलोइंग दिस सो कॉल्ड सेल्फ टॉट यूट्यूबर्स और डेवलपर्स। वैसे इस तरह से तो मैं भी सेल्फ टॉट डेवलपर हूँ भाई, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब मुझे सिर्फ C++ सीखा था, मुझे बस C++ आता था। उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो .NET है, चाहे वो C# है, चाहे वो Xamarin है, चाहे वो Blazor है, वो सारा का सारा खुद मैंने जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ करके सीखी है। तो उस हिसाब से तो मैं भी सेल्फ टॉट डेवलपर हो गया। अगला सवाल हार्दिक का है, वो पूछते हैं वॉट इज एन IDE एंड हाउ डज IDE हेल्प डेवलपर्स कोड फास्टर। यानी कि IDE क्या है और ये किस तरह से डेवलपर्स को फास्टर कोड करने में हेल्प करता है। हार्दिक, IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारे वो टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ज़्यादातर ये IDE जो है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डेवलपर्स होते हैं वही बनाते हैं, या कई बार कम्युनिटी ये बनाती है, या कई बार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डेवलपर्स जो होते हैं या थर्ड पार्टी कंपनीज जो होते हैं वो भी बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में IDE जो होते हैं वो सिंगल लैंग्वेज के लिए ही होते हैं, लेकिन आज की डेट में कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मल्टी लैंग्वेज या मल्टी फ्रेमवर्क IDEs भी बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका JetBrains है, JetBrains का फ्लीट जो है वो IDE है, वो मल्टीलिंगुअल IDE है। उसके बारे में मैंने अपने वीकली डेवलपर न्यूज़ में बताया भी है, जहां पर कि मैंने आपको बताया था कि JetBrains फ्लीट को यूज़ करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसी तरह वेब बेस्ड आपका Replit है, Replit में भी आप जो है पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C#, C++ इन सब को यूज़ करके जो है आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो जो कई सारे IDEs जो हैं वो मल्टी लैंग्वेज IDEs भी हैं। सो IDE बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर को हेल्प करता है टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग ए फ्रेमवर्क और ए लैंग्वेज, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे आपका कोड एडिटर होता है, कोड कंप्लीशन होता है, टेस्ट रनर्स होते हैं आपके, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट आपके जो टूल्स होते हैं जो आपके डिफरेंट चीज़ें करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, जैसे कोड क्वालिटी चेक्स करने के लिए आपको कई टूल्स होते हैं, मैट्रिक्स वगैरह डिफरेंट आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स वगैरह होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली अगर आप करें तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे कमांड याद करने होंगे। प्लस साथ में ये भी होता है कि ये सारी चीज़ें आपको SDK में अवेलेबल नहीं होता है। जैसा मैंने अपने SDK के क्वेश्चन के आंसर में बताया था, SDK एक्सप्लेनेशन में बताया था कि SDK क्या होता है। SDK बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे अगर आप .NET का SDK, सिर्फ आप .NET के SDK को भी इंस्टॉल करके आप .NET का एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल या वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे कमांड याद करने होंगे। जैसे एक एक कमांड के एग्जाम्पल मैं दूँ, अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कमांड लाइन में जाएंगे,
.NET न्यू प्रोजेक्ट करके कमांड होता है, उसको यूज़ करके आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं कि आप .NET न्यू करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको लिस्ट आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट का टाइप सेलेक्ट करके .NET न्यू प्रोजेक्ट और फिर फोल्डर का नाम देंगे, फाइल का नाम देंगे। इस तरह से बहुत सारे स्टेप बाई स्टेप कमांड्स के थ्रू आपको ये सारा काम करना होगा। प्लस एक प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट कोई भी बनाएंगे, सिंपल अगर मैं सी शार्प के प्रोजेक्ट की बात करूँ, सी शार्प क्या आपका सी शार्प के डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करूँ, तो सी शार्प के सिर्फ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ही आपकी कम से कम भी तो 10-15 तो नहीं 3-4 फाइलें होती हैं। जैसे आपका मेन एक फॉर्म डॉट मेन विन फॉर्म की अगर हम बात करें तो विन फॉर्म में मेन विन फॉर्म डॉट फॉर्म करके एक फाइल हो गया, प्रोग्राम डॉट सी एस एक फाइल हो जाता है, प्रोजेक्ट का जो सिंपल प्रोजेक्ट सी एस प्रोज फाइल होती है एक। सो इस तरीके से आपके इतनी सारी फाइल्स बनती है और इन सारी फाइल्स को अगर आपके पास IDE नहीं होगा तो आप इन सारी फाइल्स को आपको इंडिविजुअली ओपन करना पड़ेगा किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे आपका नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया, इस तरह के किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर में उस फाइल को ओपन करेंगे, उसमें कोई भी अगर आप कोड चेंज करते हैं और उस वहाँ पर कोई सिंटैक्टिकल एरर कर देते हैं, कहीं कोई सेमी कॉलन छोड़ देते हैं या कहीं किसी वेरिएबल का नाम गलत लिख देते हैं या किसी फंक्शन के नाम जो है वो गलत लिख देते हैं, तो वो गलती जो है वो आपको तब पता चलेगी जब आप उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने जाएंगे। और फिर उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए भी आपको कमांड याद होनी चाहिए कि बिल्ड CSC करके और इस प्रोजेक्ट का नाम लिख करके पूरा कमांड लिखना होगा। सो इन सारे कामों को बड़े आराम से आप IDE में ड्रैग मतलब कमांड माउस के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं, GUI के थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, अगर आपको नया प्रोजेक्ट भी बनाना है तो सिंपल न्यू फाइल न्यू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, आप सेलेक्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट विंडफॉर्म्स अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो सीधे प्रोजेक्ट फाइल बन करके आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में पूरे के पूरे उस प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइलें हैं सारी फाइलें दिख जाती हैं। आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं, जब उस फाइल में आप एडिट करने जाएंगे तो वहाँ पर सिंटेक्स जो है प्रॉपर हाईलाइटिंग होता है, अगर आपने कोई सिंटेक्स का एरर कर दिया तो वो सिंटेक्स एरर भी हाईलाइट हो जाता है, अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई एरर कर दिया तो वो एरर हाईलाइट हो जाता है। सो ये सारे फीचर्स जो है वो IDE आपको दे देता है। कई बार IDE आपको इसके भी फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया यूनिट टेस्टिंग के भी फीचर देता है, यूनिट टेस्ट रन करने के फीचर देता है। अगर आप यही काम बिना IDE के करेंगे तो आपको अलग से यूनिट टेस्ट का फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें यूनिट टेस्ट मैनुअली बनाने पड़ेंगे, उन यूनिट टेस्ट को मैनुअली लिखना पड़ेगा जबकि और फिर उनको रन करने के लिए कमांड चलाना पड़ेगा। सो जो सारे काम आपको कमांड्स के थ्रू करने होते हैं वो सारे काम IDE बड़े आराम से आपको GUI के थ्रू करने देता है। सो अब ये डेवलपर को फास्टर कोड करने में कैसे हेल्प करता है, ऑफ कोर्स ये आपको कोड फास्टर तरीके से कोड करने में हेल्प करता है बिकॉज आपको इतने सारे कमांड नहीं याद करने पड़ते, आपको सिर्फ लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बाकी सारा कमांड वमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से IDE के अंदर आप सारे कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी गलती करते हैं तो आपको वो गलती ठीक करने का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस आजकल तो कोडिंग असिस्टेंट का जो है इंटीग्रेशन भी IDE में अवेलेबल है, जैसे आपका GitHub Copilot है, Amazon का आपका वो है स्वीप करके कुछ है, कोड स्वीपर करके है वो हो गया। सो इस तरह के आपके डिफरेंट कोडिंग असिस्टेंट है या आपके कई सारे कोड जो आपके कहते हैं यार कोड ऑटोमेशन टूल्स भी कई सारे हैं, सिंटेक्स हाइलाइटर है, आपका ऑटो कंप्लीट फीचर भी है विजुअल स्टूडियो के अंदर। सो इस तरह के जो IDEs के अंदर आपके जो नए नए फीचर्स होते हैं ये फीचर्स आपको हेल्प करते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से फास्टर तरीके से कोड करने में, और बहुत सारे टूल्स आपको एक ही जगह अवेलेबल होते हैं। अगर मैं रियल लाइफ का एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मान लो आप डेवलपर को समझ लो कि डेवलपर नहीं असल में एक दर्जी है जो कि एक शर्ट या पैंट या किसी भी तरह का कपड़ा सिलता है। सो अगर डेवलपर दर्जी है और उसको SDK की बात करें तो SDK आपको सुई धागा है, सिंपल आपको सुई धागा मिल गया, सुई धागा कैंची मिल गया और आपको क्या करना है कि उस सुई धागा कैंची से आपको काट करके खुद से शर्ट वर्ट सिलनी है। लेकिन अगर आपके पास IDE का हो गया कि सिविंग मशीन आपको मिल गया या सिलाई मशीन आपको मिल गया, अगर आप सिलाई मशीन यूज करके शर्ट सिलते हैं तो ऑफ कोर्स आप फास्टर तरीके से शर्ट सिल पाएंगे, जल्दी सिल पाएंगे और बेटर क्वालिटी का शर्ट सिल पाएंगे, जबकि अगर आप हाथ से सिलाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और उसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो IDE बेसिकली इसी तरीके से डेवलपर्स की हेल्प करता है कि IDE यूज़ करके आप अच्छे तरीके से GUI यूज़ करके बिना कमांड्स को रटे हुए आप कोड कर सकते हैं।
अगला सवाल केबी लाल का है, वो पूछते हैं व्हाई डू पीपल ज्वाइन पेड कोडिंग कोर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्स लाइक फ्री कोड कैंप। यानी कि लोग जो हैं वो पेड कोडिंग कोर्सेस क्यों ज्वाइन करते हैं जब फ्री में कोडिंग सीखने के लिए साइट्स अवेलेबल हैं जैसे फ्री कोड कैंप। केबी लाल जी, कोडिंग सीखने के लिए फ्री कोड कैंप ही नहीं और भी बहुत सारे वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब हो गया आपका, कोर्सेरा में भी आपके MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, edx.org है, उसमें भी आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन लोग फिर भी जो हैं वो पेड कोर्सेज की तरफ जाते हैं, पैसे देकर के कोर्सेज करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से पेड कोर्सेज भी जो हैं वो भी आपके जो हैं उसमें बेसिकली पेड कोर्सेज की तरफ जाने के पीछे रीज़न ये होता है कि कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके फ्री कोड कैंप के या फ्री कोर्सेज में अवेलेबल नहीं होती हैं, पेड कोर्सेज में ही अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वो एडवांस लेवल पर होती हैं। सो जो फ्री कोड कैंप के जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली बेसिक लेवल के होते हैं, उसमें उनमें जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया होता है, बहुत ही एडवांस लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कई बार पेड कोर्सेज में होती हैं। सो कई बार ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो कि फ्री तौर पे ऐसा कंटेंट भी होता है या ऐसा कोई लैंग्वेज भी होता है, फ्रेमवर्क भी होता है, जिसके कि फ्री कोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो चीज़ें होती हैं वो पेड में ही अवेलेबल होती हैं और पेड में अच्छे से समझाया होता है। एक रीज़न तो ये होता है, हालाँकि इसका मेजर रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि लोगों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके अगर आप फ्री कोर्सेज की बात करें या मैं कहूँ कि पेड कोर्सेज की भी अगर हम बात करें और पेड रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, तो इन कोर्सेज को करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन होना पड़ेगा। ड्रिवन यानी कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन होना पड़ेगा, साथ में आपको इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास ये हो कि हाँ भाई आपको पैसों की प्रॉब्लम हो और उस वजह से आप जो हैं फ्री के कोर्सेज के थ्रू आपके पास पैसों की कमी होगी तो ऑफ कोर्स आपके अंदर आग होगा कि मुझे पैसे कमाने हैं और इसलिए आप जो हैं वो फ्री का कोर्स कोई भी फ्री कोर्स को करने के लिए आप ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग आज की डेट में, सच बताऊं, जिनके पास भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो आलसी लोग हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो बड़े आराम से वो पेड कोर्स खरीद लेते हैं। और मेरा पर्सनल मानना यह है कि पेड जो आपका पेड कोर्स जो रिकॉर्डेड पेड कोर्स खरीदते हैं वो भी असल में गलती करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी ये गलती की हुई है, मेरे पास भी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया था कि मेरे पास जो है वो कम से कम 10 यूडीमी के कोर्सेज जो हैं वो मैंने खरीद करके रखे हुए हैं। प्लूरल साइट का मेरे पास साल भर का सब्सक्रिप्शन है लेकिन फिर भी मैं उसके कोर्सेज वगैरह नहीं करता। हालाँकि पेड कोर्सेज में आपको जो है वो कई बार बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है, आपको ट्रेनर से बात करने का एक्सेस मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपके फ्री कोर्सेज में नहीं होती हैं। सो मेन चीज़ जो है, मैं आपको अब मुद्दे की बात पे सीधे आते हैं इधर उधर जाने की बजाय, पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि कई बार आपको जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं उनकी चीज़ें उनके जो कोर्सेज हैं वो फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। कोडिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो कई बार एडवांस के जो कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोडिंग की जो चीज़ें होती हैं वो आपके फ्री कोड कैंप या जितने भी कोडिंग के फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास नहीं होती हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स ये कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है, पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। सो लोग जो है वो पेड कोर्सेज लॉन्च करते हैं और उन पेड कोर्सेज के थ्रू जो है वो ट्रेन करते हैं। सो पहला रीज़न तो मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल की चीज़ों के लिए या डिटेल्स के लिए लोग पेड कोर्सेज में जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कम्युनिटी। फ्री जो फ्री कोड कैंप या जो भी फ्री कोर्सेज होते हैं इनकी कम्युनिटी भी जो होती है वो, सच बताऊं तो फ्री की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते मार्केट में, और फ्री की चीज़ों की सिंस लोग कदर नहीं करते तो इस वजह से जो कम्युनिटी भी है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव या उतनी ज़्यादा इंथुजियास्टिक कम्युनिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप पेड कोर्सेज की बात करें, अगर आपने कोई पैसे देकर के कोर्स लिया हो तो उस कोर्स की कम्युनिटी जो होती है वो एक्टिव होती है, क्योंकि पैसे खर्च किए हुए हैं और अगर आपने पैसे खर्च करके कोड
चीज़ सीखी नहीं तो उस केस में आपको गिल्ट की फीलिंग आती है। मुझे भी गिल्ट की फीलिंग आती है जब मैं किसी कोर्स को खरीद करके और वो कोर्स कंप्लीट ना करूं तो मुझे भी गिल्ट की फीलिंग आती है कि यार मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। सो ये जो गिल्ट की फीलिंग है उस गिल्ट की फीलिंग से भी आप कई बार वो चीज़ सीखते हो पैसे दे करके जो आपने कोर्स एनरोल किया होता है जिस कोर्स में उस कोर्स में आप सीखते हो। और चूंकि आप जब सीखते हो मन से सीखते हो तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करने के लिए आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पेड कोर्स वाले जो हैं उन्होंने अपना कम्युनिटी सेक्शन बना रखा है जहां पर कि ट्रेनर जो है आपके सवालों का जवाब देता है। ज़्यादातर यूडीमी में मैंने ये चीज़ देखी है कि यूडीमी में आप अगर कोई कोर्स खरीदते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनर का जो है एक्सेस मिल जाता है। मतलब वन टू वन तो नहीं होता, आप ग्रुप में उसी कोर्स के ड्यूरेशन में या कहीं पर ट्रेनर को आप लिख सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, वीकली मंथली किसी बेसिस पे पूछ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है आपके लिए, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर पेड कोर्स लेना है तो बेस्ट इज़ टू डू ऑनलाइन पेड कोर्स, लाइव ऑनलाइन पेड कोर्स कीजिए। लाइव ऑनलाइन पेड कोर्स में आपको एक रियल लाइफ क्लास वाली फीलिंग आएगी। आप एक तो आप में डिसिप्लिन खुद से आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अगर लाइव की क्लास आपकी छूट गई तो अगर भले ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन लाइव क्लास लेने में जो आपको जितना आपको सीखने को मिलेगा बिकॉज जितनी अटेंटिव आप लाइव सीखने में होंगे उतना आप रिकॉर्डेड सेशंस देखने में आप उतने अटेंटिव नहीं होंगे। सो लाइव क्लास कीजिए और उसमें ऑफ कोर्स आपको कम्युनिटी का एक जो है वो मिलता है कि कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोगों ने की होती हैं तो टीचर अगर टीचर को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता उस तो दूसरे लोग जो है वो कम्युनिटी में आपको बता देते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ की हुई है। सो ये कम्युनिटी वाली जो फीलिंग है वो फ्री के कोर्सेस में कम होती है बजाय पेड कोर्सेस के। तो अगर मैं अपने इस आंसर को समराइज करूं तो तीन रीज़न है जिसकी वजह से कि लोग जो हैं वो पेड कोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं कंपेयर टू ये जो फ्री कोड कैंप या दूसरे फ्री कोर्सेज जहां जो वाले जो वेबसाइट्स हैं उनकी बजाय पेड कोर्सेज की तरफ ज़्यादातर लोग तीन रीजंस की वजह से जाते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस फीचर, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है कम्युनिटी एंड टीचर सपोर्ट। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूसडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।